नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। प्रकाशा बुराई उप सिंचाई परियोजना का कार्य जल्द पूरा करने की मांग को लेकर नागपुर में चल रहे शीतकालीन अधिवेशन में तापी बुराई जल संघर्ष समिति के अध्यक्ष दीपक पाटिल के नेतृत्व में दूल्हे व नंदुरबार के सभी किसानों द्वारा एकत्रित होकर विधानसभा पर धरना आंदोलन किया है। हालांकि जय कुमार रावत आमदार सिंधखेड़ मतदार संघ महाराष्ट्र राज्य ने भी नंदुरबार व धुले के किसानों का मुद्दा विधानसभा में उठाया है। हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज ने धुले व नंदुरबार से आए किसानों से उनकी समस्याओं पर बात की। आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट। पानी आमच्या हक्काचं, हाय कुणाचं बापाचं, पानी आमच्या हक्काचं, हाय कुणाचं बापाचं, घेतल्या जाय राहणार नाही। तापी बुराई जल संघर्ष समितीचा, तापी बुराई जल संघर्ष समितीचा। सर, आप कहाँ से आए हो और आप धरने आंदोलन पे बैठे हुए, क्या मांगे हैं आपकी? हम धुले और नंदुरबार जिले से। पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रणवीर पाटिल, गांव सुराय। हम धुले और नंदुरबार जिले से आए हुए हैं। पिछले 23 साल से तापी बुराई उपसा सिंचन योजना ये प्रलंबित है। पिछले 23 साल से इस योजना की तरफ कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है और इसमें किसानों की बड़ी तरह से नुकसान हो रहा है और हर समय अकाल को उनको मुंह देना पड़ रहा है। अकाल में हर किसान का हर तरफ से नुकसान हो रहा है, पर अभी तक किसी सरकार ने ये बात की तरफ ध्यान नहीं दी। तो हमारा सभी किसानों का यही कहना है कि सरकार इस योजना को जल्द से जल्द पूरा करे। तो अभी आप यहाँ पर धरने आंदोलन पर बैठे, कितने दिन का यह आंदोलन है? क्या आपकी कोई अधिकारी से बात हुई? आपने किससे पत्र व्यवहार किया है? अभी जय कुमार जी रावल माननीय आमदार, माजी आमदार सिंकेड़ा, माजी मंत्री सिंकेड़ा, ये यहाँ पे वो भेंट दे के गए। उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि मैं विधानसभा में यह सवाल उपस्थित करूँगा। और माजी जो अभी आमदार है, अभी जो मंत्री है विजय कुमार गावित जी, उनसे भी हमारी बात हुई है। उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया है कि मैं विधानसभा में ये सवाल उठाऊंगा। तो आपको लगता है कि विधानसभा में सवाल उठाने के बाद में कहीं ना कहीं आपको कुछ राहत मिलेगी, आपका जो मांगे वो पूरी हो सकेगी? हमारी सरकार की तरफ यही आस है कि हमको जल्द से जल्द कुछ ना कुछ न्याय मिले और हम यहाँ से हमारे गाँव जल्द वापस जाए। सर, आप क्या बताना चाहेंगे, जो आपकी मांगे हैं आप क्या बताना चाहेंगे? आप धरने आंदोलन कर रहे हैं, हम आपका नाम बता। मेरा नाम है रणधीर जाधव। हम धुले जिले से सिंकेड़ा तहसील और नंदुरबार यहाँ से हम 100 किसान भाई आए। हमारी मांगे ये, बहुत सालों से हमारे यहाँ अकाल पड़ रहा है, बारिश अच्छी नहीं हो रही है और अच्छी बारिश न होने के कारण हमारा गेहूँ का व्यवसाय, हमारा खेती का व्यवसाय, कई नौकरी नहीं मिल रही है, जवान खुले घूम रहे, निठल्ले बैठ रहे क्योंकि पानी नहीं है। लेकिन हमारे गांव से 15 किलोमीटर दूरी पर तापी मैया है, तापी नदी। वो तापी नदी से जो हमारा इधर एक योजना है प्रकाशा बुराई, वो अगर वो योजना पूरी होती है तो हमको पानी मिल सकता है, हमारी हरियाली हो सकती है, हमारे सब किसान भाइयों की खुशहाली हो सकती है। बस यही निवेदन लेके हम इधर आए हुए हैं, दो दिन से खड़े हैं बैठे हैं। हमारे तहसील के जो आमदार है, जो पीछे मंत्री रह चुके हैं, वो आए थे इधर और उन्होंने हमको दिलासा दिया और हमारी बात विधान भवन तक पहुँचाई और उन्होंने जो हमारी मांगे है वो बताई। वैसे और गावित जी आए नहीं, लेकिन हमारी फ़ोन से बात हुई, वो भी हमको दिलासा दे रहे हैं। और अगर हमारी मांगे, ये किसान भाई की मांगे गवर्नमेंट ने अगर मान ली और हमको पानी का ये जो भी योजना है वो पूरी की, तो शायद हम बच सकते हैं, हमारी खुशहाली हो सकते हैं, हमारे बाल बच्चे पढ़ सकते हैं। बस यही हमारी सरकार से दरख्वास्त है और हम हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी करें। बस आखिर में यही कहना चाहता हूँ, तापी बुराई 40 पाइजे, तापी बुराई 40 पाइजे। मेरा नाम प्रमोद पाटिल है, हम यहाँ नागपुर आए तो इसलिए आए कि लगभग 1999 से हमारा जो तापी का पानी है वो बह के गुजरात में जा रहा है और हमारे गांव से लगभग 12-13 किलोमीटर तक का अंतर है। इसलिए
कि हमारा पा एको ना एक 23 साल हो गए तब तक ये प्रकल्प प्रलंबित है। हमको यहाँ का सिचुएशन 2 दिन हो गए आंदोलन को, हमको यहाँ का सिचुएशन और यहाँ के हमारा सिचुएशन देखो हमको ऐसा लग रहा है कि लगभग देश को 75 साल हो गए आज़ाद होते, लेकिन हमों यहाँ हमें ऐसी वागणूक दिली जा रही है जैसे कि आज़ाद देश के हम गुलाम लोग हैं। हमको आज भी इसके जो वातावरण है यहाँ का, आज भी हमें किसान जैसा हमें वर्तणूक नहीं मिल रही है, इसलिए हम ये सरकार पे नाराज है। अनेक MLA और नेताओं ने हमें आश्वासन दिया कि हम तुम्हारी मांगे पूरी करेंगे, हम इंतज़ार कर रहे हैं अभी भी, नहीं तो हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो आने वाले दिनों में हम जितने नेताओं को हमने मदद किया है वोट दिया है आने वाले दिनों में हम उनकी जगह जरूर दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो तापी नदी का पानी, जैसे कि नंदुरबार के जो किसान यहाँ पर आए हुए हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से तापी नदी के जो उनके गांव से लगकर है उसका पानी सीधे गुजरात जाता है, लेकिन जो गुजरात के किसानों को तापी नदी का लाभ मिल रहा है, लेकिन जो नंदुरबार और धुड़े के जो किसान हैं उनके ही खेत में पानी नहीं है, जिसकी वजह से वो खेती किसानी नहीं कर पा रहे और आज उन्हें मजबूरन विधानसभा में धरना आंदोलन करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं नागपुर के यशवंत स्टेडियम में आज ये धरना आंदोलन कर रहे हैं और अभी नागपुर में शीतकालीन सत्र चल रहा है और उन्होंने बताया कि जो उनके जो समर्थक है, जो मंत्री जो है आमदार है, वो उनको समर्थन कर रहे हैं और उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि विधानसभा में वो उनके जो मुद्दे हैं वो रखेंगे और जल्द से जल्द तापी नदी का जो प्रकल्प है वो पूरा किया जाएगा। इसी के साथ आप देखते रहिए रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज। पानी आमच्या हक्काचं, आई कुणाच्या बापाचं, पानी आमच्या हक्काचं, आई कुणाच्या बापाचं, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय किसान संघाचा विजय असो, भारतीय किसान संघाचा विजय असो, पानी हवाव नाही, केव्हा शिवाय हवाव नाही, पानी हवाव नाही, केव्हा शिवाय हवाव नाही, सिंचन योजना पूर्ण व्हायलाच पाहिजे, उपसा सिंचन योजना पूर्ण व्हायलाच पाहिजे।